this. द पिक्टोरियल सिंबल्स, आप लोगों ने देखे है कभी ये? यस मैम। यस ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लैब सेफ्टी सिंबल्स? पर्पस क्या होता है इसका? यस, एनीवन नोस व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लैब सेफ्टी सिंबल्स? हजार्ड सिंबल्स इन्फॉर्म स्टाफ ऑफ अ मटेरियल एंड इक्विपमेंट विद इन द लैब दैट मे बी हजार्डस। फिजिकल सेफ्टी सिंबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू लैब सेफ्टी ऑन व्हाट दे कैन डू टू रिड्यूस देयर पर्सनल रिस्क एंड कीप द फैसिलिटी सेफ एज अ होल। ओके, जो ये सिंबल्स होते हैं ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन देते, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते। ओके, मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू लैब स्टाफ ऑन व्हाट दे कैन डू टू रिड्यूस देयर पर्सनल रिस्क एंड कीप द फैसिलिटी सेफ एज अ होल। ओके, दिस इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी सिंबल। देर आर डिफरेंट सेफ यूज ऑफ केमिकल इन द लैब्स, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, देन नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द केमिकल यूज इन द लेबोरेटरी। तो उनपे ये सिंबल्स बने होते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन है टू स्टडी द पिक्टोरियल सिंबल ऑफ केमिकल इन लैबोरेटरीज। सो इन जूलॉजी लैब डिफरेंट केमिकल्स आर यूज ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स। जब हम प्रैक्टिकल करते तो डिफरेंट केमिकल्स यूज करते, राइट? मीन्स डिफरेंट केमिकल है, इक्विपमेंट्स होते, इंस्ट्रूमेंट्स होते। सो इक्विपमेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो यूज यूटिलाइज फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते, केमिकल्स यूज करते। डेंजरस, द केमिकल एंड इक्विपमेंट्स आर मोस्टली डेंजरस। जो केमिकल्स होते हैं वो हजार्डस भी होते, डेंजरस होते, कुछ पॉइजनस होते, राइट? लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, दीज आर द केमिकल्स। और कुछ हजार्ड सिंबल्स होते जो हमको लैब में दिखाई देते। कभी देखे आप लोगों ने? लाइक अ पॉइजन, टॉक्सिक मटेरियल है, करोसिव मटेरियल, हजार्ड्स, देन कार्सिनोजिन हजार्ड्स, देन बायो हजार्ड्स। तो सारे हजार्डस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं। देन केयर, द स्टॉक होल्डर मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट, स्टाफिंग, लेबोरेटरीज एक्सेट्रा शुड टेक केयर व्हाइल हैंडलिंग द डेंजरस इक्विपमेंट्स। तो केयर करना है जब भी हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो केयर करनी है। देन अवेयरनेस एंड नॉलेज, एवरी स्टॉक होल्डर मस्ट हैव अवेयरनेस एंड ओके। अभी हो रही ना से
Yes, yeah. Ma'am. Yes. Next point is the awareness and knowledge. Every stockholder must have a awareness and proper knowledge of chemical as well as the equipments. हम जो भी equipments है chemical use कर रहे हमको उसका proper knowledge होना चाहिए. Okay. Every stockholder must have a awareness and proper knowledge of chemical as well as the equipment. Then pictorial symbols. The awareness and knowledge can be created by presenting pictorial symbols of a chemical as well as the equipment used in laboratory. Then first is a toxic chemical. यहाँ पे जो point है वो continue दिया हुआ है but ये first point होना चाहिए था toxic chemical. Okay. हमको यहाँ पे different pictorial symbols पढ़ने. First is the toxic chemical. Chemical which can cause death of living organism of it concern or a mishandle. These are the toxic chemicals. तो आप लोग जब नोट्स लिखेंगे यहाँ पे तो जो टॉक्सिक केमिकल है ये पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट देना है. ओके. फर्स्टली हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़े व्हाट इज लैबोरेटरी सेफ्टी. ओके. सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे केयर करना है. ओके. तो हमको ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है. फर्स्ट हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन एंड जो टॉक्सिक केमिकल है उसको सेकंड रोमन सेकंड दो. ओके. इस तरह से लिखो तो केमिकल व्हिच कैन कॉज डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट कंसर्न और मिसहैंडल दीज आर द टॉक्सिक केमिकल. अ टॉक्सिक केमिकल सीवियर हार्म और अ डेथ ड्यू टू अ स्मॉल क्वांटिटी एंड अ शॉर्ट एक्सपोजर. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड और जिंक साइनाइड दीज आर द टॉक्सिक केमिकल. एग्जाम्पल है टॉक्सिक केमिकल के हाइड्रोजन साइनाइड और जिंक साइनाइड. देन क्रॉनिक टॉक्सिक केमिकल सीवियर हार्म और अ डेथ ड्यू टू अ लार्ज क्वांटिटी एंड अ प्रोलॉन्ग लाइक अ निनहाइड्रीन. वहां पे इनहाइड्रीन लिखा हुआ है आई थिंक राइट. ओके. यहाँ पे इनहाइड्रीन हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ. निनहाइड्रीन क्या होता है सुने निनहाइड्रीन सॉल्यूशन. बर्निंग निनहाइड्रीन सॉल्यूशन क्रोमैटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं. ये यूज आप लोग ने Yes. No one knows what is ninhydrin. आप लोगों ने क्रोमैटोग्राफी प्रैक्टिकल किए हो. आवाज आ रही है ना मेरी. यस मैम. बीच बीच में जाती है. ओके. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज निनहाइड्रीन. निनहाइड्रीन सॉल्यूशन आप लोगों ने यूज किए हो या नहीं किए हो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं. ओ मैम. Iodine is the most widely used chemical reagent for the detection of latent finger mark on porous surface such as a paper or a cardboard. So, हम लोग
क्रोमैटोग्राफी में पेपर क्रोमैटोग्राफी प्रैक्टिकल कर चुके हो आप लोग ने, तो उस पे स्प्रे किया जाता है पोरस सरफेस पे. ओके, मीन हाइड्रिन सॉल्यूशन. तो टॉक्सिक केमिकल के लिए जो सिंबल होता है, द सिंबल इज अ स्कल विद अ क्रॉस बोन. ओके, मीन्स द सिंबल विद इन द पिक्टोग्राम इज अ ह्यूमन स्कल विद अ टू क्रॉस बोन. बिहाइंड इट द सिंबल इंडिकेट द हजार्डस प्रोडक्ट विद द पिक्टोग्राम कैन कॉज डेथ और अ पॉइजनिंग. ओके, जो सिंबल होता है वो शो करता है दिस पिक्टोग्राम कैन कॉज द डेथ और पॉइजनिंग. ओके, ऐसा कुछ होता है वो सिंबल इज स्कल विद अ क्रॉस बोन. बीच में ह्यूमन स्कल होता है और दो क्रॉस बोन होते हैं उसके. ओके, समझ में आया अभी? ओके, नेक्स्ट इज अ प्रिकॉशन. तो यूज Be careful while handling such chemicals. Careful रहना है हमको. Use apron जब भी हम laboratories में जाते हैं lab में, तो apron पहनना है. Always wear an apron. Use apron and gloves while using such chemicals. Store such chemical under a supervision. Always use first aid in any accident took place. Okay. Use mask and a prepared dispenser while you handling such chemicals. Next is a corrosive chemical. तो करोसिव मटेरियल इज अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस. करोसिव केमिकल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है दैट कॉज ऑब्वियस डैमेज टू अ लिविंग टिश्यूज. वहाँ पे लिविंग टिश्यूज को डैमेज करता है वो. करोसिव एक्ट आइदर डायरेक्टली बाय केमिकल डिस्ट्रॉइंग द पार्ट्स ऑक्सीडेशन और इनडायरेक्टली बाय कॉजिंग अ इन्फ्लेमेशन. ओके, तो एसिड एंड बेस आर अ कॉमन करोसिव मटेरियल्स. करोसिव आर स्ट्रॉन्गर केमिकल्स. करोसिव केमिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं दैट कैन अटैक एंड इवन डिस्ट्रॉय अदर सब्सटेंस सच एज बॉडी टिश्यूज और इवन मेटल्स. तो सम कॉमन करोसिव केमिकल्स इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ करोसिव केमिकल. ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड है, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ करोसिव केमिकल्स. सो द केमिकल करोसिव केमिकल्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं. केमिकल विच कॉज करोजन टू द ह्यूमन बींग और टू द मेटल्स. मीन्स दैट कैन अटैक एंड इवन डिस्ट्रॉय अदर सब्सटेंस सच एज बॉडी टिश्यूज. डिस्ट्रॉय करते हैं वो बॉडी टिश्यूज को. सो द केमिकल विच कॉज करोजन टू द ह्यूमन बींग और टू द मेटल्स. दस करोसिव केमिकल आर ऑफ टू टाइप्स, एज अ ह्यूमन करोसिव एंड अ मेटल करोसिव. दो टाइप्स के होते हैं करोसिव केमिकल, ह्यूमन करोसिव और अ मेटल करोसिव. एग्जाम्पल ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस. देन प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस देखने हैं हमको. प्रिकॉशन एंड केयर. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सच केमिकल्स. यूज एप्रन एंड ग्लोव्स while using such chemicals. Store such chemical under a supervision. Then always use first aid if any accident took place. Same rahenge precautions. Then use mask and prepared dispenser while handling the such chemical. Next is a flammable chemical. I'm showing you symbol or a pictogram for a flammable chemical. Okay. See this. This symbol show a flammable, highly flammable chemical. Okay. And this is extremely flammable.
So flammability is the ability of a chemical to burn or ignite, causing fire or a combustion. Okay, so flammable means what? Capable of being easily ignited and of burning quickly. Yes. मैम एक्चुअली हम लोग का अभी वेबिनार है 12 बजे. ओके. वी शुड स्टॉप हियर. नो प्रॉब्लम.